देहि शिवा वर मोहि है शुभ कर्मन से कबहुँ न डरो। प्रियात्मन यह अनमोल वाणी उस महान पुरुष उस महान बलिदानी का है जिनकी जयंती आज पूरा भारत ही नहीं अब संपूर्ण संसार मना रहा है। गुरु गोविंद सिंह की आज जयंती है। गुरु गोविंद सिंह को हम शब्दों में क्या बांधें, ऐसे महान पुरुष को बस अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें आपके समक्ष रख रहा हूँ जो कि वो किसी किताबों में सुनने को नहीं मिलेगा। महापुरुष के जीवन से हमें क्या शिक्षा लेनी है, यही मेरे चैनल का वो उद्देश्य है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द स्क्रिप्चर्स कि उनके जीवन से वो हमें शिक्षा क्या मिलती है। यद्यपि गुरु गोविंद सिंह गृह जीवन में रहे, उनके चार पुत्र रहे और वो दो तो वो जंगे मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए और दो जिंदा दीवार में चुने गए, तो उनका गुरु गोविंद सिंह नौवीं पातशाह गुरु तेग बहादुर सिंह के बाद उनको उत्तराधिकारी के रूप में और उनके पुत्र उत्तराधिकारी गुरु के रूप में उनको चुना गया। और अल्पायु में ही वो जब वो 10 वर्ष के वो बाल्यावस्था में थे और बहुत बड़ी जिम्मेदारी के ऊपर आई, उनका किसी वो धर्म विशेष और किसी जाति विशेष से कोई जंग नहीं था। उन्होंने उस तत्कालीन शासक के वो अत्याचार अनीति और वो जो पापाचार थे उनके विरुद्ध उनका जग था। ये हमें जान लेना चाहिए, हम इस बात को बड़े गर्व से कर सकते हैं कि जिस गांव में मेरा जन्म हुआ है और वहाँ हमारे जन्म स्थान से 500 गज दूरी पर एक गुरुबाग 28 बीघे का है, वहाँ वो 2 महीने रह करके अपने वो कर कवलू गुरु ग्रंथ साहब की रचना की और वो बहुत घना बाग मैं बचपन में देखता था, वो बहुत ही घना बाग, अब तो समय बीतने के साथ साथ वो बाग उस रूप में नहीं है। और उसी हमारे छोटा मिर्जापुर गांव में एक संगत घाट है जहाँ से वो उतर करके और ये इनके पिता वो वहाँ पहुँचते हैं और पटना साहिब जहाँ 1666 में और पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ और वो सिख के वो दसवें गुरु थे और गुरु नानक की तरह वो भी एक ही ईश्वर को मानते थे। सबसे बड़ी खासियत उनकी ये थी कि वो किसी जाति धर्म विशेष के प्रति उनका कोई लड़ाई था। अब वो जो शोषित वर्ग थे जिन पर अत्याचार किया जा रहा था, जो दबे कुचले थे, जो समाज के दलित और पिछड़े वर्ग थे जिन पर अत्याचार हो रहा था, ये गुरु गोविंद साहब को ये पसंद नहीं आया और उसके खिलाफ उन्होंने वो जंग छेड़ा। और जीवन पर्यंत इससे बड़ी बात क्या हो सकती, गृह जीवन में रहते हुए उन्होंने त्याग और बलिदान का मिसाल वो उदाहरण पेश किया, वो बेमिसाल है, वो दुनिया के वो किसी वो देखने में भी बहुत ही कम मिलता है। यद्यपि भारत हमारे वीर प्रसवा जन्मभूमि है, यहाँ समय जब भी कष्ट के बादल और जब भी संकट के बादल मंडराए हैं, धरती के भारत माता के विभिन्न अंचलों से भी सपूतों ने जन्म लिया, उन्हीं में गुरु गोविंद सिंह एक है, उनका उच्चतम स्थान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये अब ये जब उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहब, तो उन्होंने कहा कि अब कोई दसवां अभी कोई अब ये गुरु ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु होंगे, अब कोई मनुष्य देहधारी अब कोई गुरु नहीं बनेगा। अब यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि इन महापुरुषों के जीवन से हमें ये लेना चाहिए कि लोग कहते हैं गृह जीवन में तमाम परेशानियां हैं, ये है वो और पल्ला झाड़ करके सत्य कार्यों से हटते हैं। यहाँ ध्यान इस बात का हमें विचार इस बात का करना है कि वो गृह जीवन में रहकर उन्होंने जो मिसाल कायम किया वो एक अच्छे शासक थे, अच्छे कवि थे, अच्छे विचारक थे, अच्छे दार्शनिक थे और आशु कवि के रूप में वो भाषण देते थे, वो कविता भी करने लगते थे, तो उनके अंदर सारी वो जो जो अच्छाइयाँ थी वो देवतुल्य था। और आज हम गर्व आज पूरी दुनिया उनकी जयंती मना रही है, उनके जीवन से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि गृह जीवन में रह करके भी हम बड़ा से बड़ा त्याग कर सकते हैं। और जैसा कि अगर वो देखा जाए चाहे वो राम का समय काल रहा हो, चाहे कृष्ण का समय काल रहा हो, चाहे ये हमारा ये वर्तमान में जो भी शासक हुए उनके अंदर वो देवतुल प्रवृत्ति थी और उन्होंने अपने जीवन में गुरु गोविंद साहब ने ये दिखाया और कहा कि ये उनके जो 5 उन्होंने एक चिन्ह दिया, केस, कड़ा, कंघा, कक्षा,
और कृपाण, ये पांच कतार कहे जाते हैं और सिखों का ये पहचान है। उन्होंने कहा कि किसी जाति विशेष से नहीं लड़ाई लड़नी है, किसी धर्म विशेष से लड़ाई नहीं लड़नी है। उन्होंने अपने सेना में वो मुसलमानों को भी रखा, पठानों को भी रखा, और वो जाति पात से धर्म से उनकी कोई लड़ाई नहीं थी। उनकी लड़ाई अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, और जो सोशल वर्क पर जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ था। उन्होंने समाज के सब वर्गों के उत्थान की बात की और कहा जाति पात ये सब कोई ये सब भेदभाव गलत है। उन्होंने सबको आदर के समान से देखा। हमारे छोटा मिर्जापुर गांव में संगत घाट के पास जो स्थान है वहां पर एक कुआं है। उस कुएं के जल में ऐसी खासियत है कि उस जल को उससे बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती है। कभी अगर भी अवसर मिले तो प्रिय आत्मन आप लोग उसको देख सकते हैं। और वो ठीक राष्ट्रीय राजमार्ग उस पार वो गुरु बाग है, और वो जहाँ पर 2 महीने रह करके उन्होंने अपने कर कमलों गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, और वो हमने अपने जीवन में बसंत पंचमी के कार्यक्रम होता है और वो ग्रंथ बाहर निकाला जाता है, उसकी पूजा होती है, और वो और राष्ट्रीय राजमार्ग के ये पश्चिम की ओर संगत घाट है जहाँ पर एक कुआं है और उसका जल औषधि तत्वों से परिपूर्ण है। तो ये बातों को बहुत विस्तार में ले जाया हुआ, तो बहुत सी बातें आएगी। ऐतिहासिक तथ्य तो बहुत सी हैं, बहुत सी बातें पुस्तकों में नहीं छप पाई है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ इतिहास के पन्नों में तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहाँ गुरु ग्रंथ साहब आज भी आपको मिलेगा। बसंत पंचमी दिन वो पूजा होती है और जुलूस निकलता है और गाँव के सब लोग मथा नवाते हैं। हमने भी कई बार मथा नवाया है, और जब भी हमको अवसर मिलता है मैं वहाँ जाता हूँ। बस यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि इन महापुरुषों से शिक्षा हमें लेकर के आज जो समाज में अनाचार पापाचार कुरीतियों का जो चारों तरफ तांडव हो रहा है इससे हमको दूर हटना है। हमें राजनीतिक प्रपंच में नहीं पढ़ने हैं, हमें जनता की भलाई की बात करनी है। जो सर्वहारा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, इनके उत्थान की बात करनी है। इसमें वो तभी हमारा राष्ट्र भारत वो विकसित राष्ट्र होगा, और जो विकसित राष्ट्र की जो कल्पना है, जो सपना है, वो साकार होगा। मैं अंत में यही कहूँगा, ज़्यादा कहने की बात नहीं, गुरु गोविंद सिंह ये पंक्तियाँ बड़ी बहुत बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये धरा धाम रहेगा, गुरु गोविंद सिंह का नाम रहेगा और उनके वो आदर्शों को हम लोग का जीवन उतारते हैं, तो ये सचमुच में मानव जीवन की सफलता उसी में मानते हैं। और छोटा मिर्जापुर गांव राष्ट्रीय राजमार्ग उस पार जो गुरु बाग है वहाँ ग्रंथ आज भी देखा जा सकता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिम गंगा किनारे उस संगत घाट है वो आज भी है, आज भी वो देखा जा सकता है। उसका जल स्पर्श किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है, और बहुत से लाभ भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके आदर्शों का अनुचुलन पालन करने से ही राष्ट्र के पूरे संसार की भलाई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।